जनपद प्रयाग में स्थित कौच पर्वत चोटी पर विराजमान कुमार कार्तिकेय स्वामी मंदिर में विगत वर्ष से दक्षिण भारत के 6 मंदिरों के प्रसिद्ध धर्माचार्यों शिवाचार्यों द्वारा भव्य 108 बालमपुरी संघ पूजा व हवन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद है उत्तर भारत व दक्षिण भारत की धार्मिक पहचान को एक सूत्र में जोड़ना। आपको बता दें कि भगवान शिव पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने अपने माता पिता से नाराज होकर कौच पर्वत पर आकर तपस्या की थी, तब से यहां पर कार्तिकेय स्वामी जी की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दक्षिण भारत में कुमार कार्तिकेय स्वामी का बड़ा महत्व है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुरुगन स्वामी, कुमार कार्तिकेय आदि नामों से भी पूजा जाता है, जबकि दक्षिण भारत के 6 अलग अलग स्थानों में कुमार कार्तिकेय स्वामी प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। वहीं उत्तर भारत में कार्तिकेय स्वामी का एकमात्र मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग में कौच पर्वत पर स्थित है। मुख्य विकास अधिकारी GS खाती का कहना है कि आने वाले समय में कार्तिक स्वामी मंदिर को तीर्थाटन एवं पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए प्रयास जारी हैं। इससे इस क्षेत्र का भी चौमुखी विकास होगा, जबकि कार्तिकेय स्वामी मंदिर 362 गांवों का भी सिद्धपीठ स्थल भी माना जाता है। यहां हर साल जून माह में भव्य धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित होते। दक्षिण भारत से आए बड़े बड़े धर्माचार्यों, पंडितों और श्रद्धालुओं के माध्यम से जनपद के इस प्रसिद्ध स्थल का भी प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में होगा। इसका सीधा लाभ आने वाले समय में इस क्षेत्र को मिलेगा। उत्तराखंड समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी महाराज का जो हमारे यहाँ जिसका धाम है इस कौच पर्वत पर, आज उन दक्षिण भारत से आए हमारे अतिथिगणों का भव्य तरीके से हमने ये मनाया है। और आपको पता ही है कि 5 जून से फिर हम यहाँ के 362 गांवों का इसको ये कार्यक्रम चलता है। मूल उद्देश्य यह है कि जो तीर्थाटन है, हमारा जो धाम है, हमारे केदारनाथ धाम है, उसके रास्ते में ये पड़ता है और बहुत पुरातन काल से ये बहुत एक सिद्धपीठ मंदिर है। तो कार्तिकेय स्वामी जी की इसका प्रचार प्रसार होगा। जैसा आप अभी कई दर्शक मुझको इस बीच में रास्ते में मिले, महाराष्ट्र के मिले, कर्नाटका के मिले और तमिलनाडु से ये लोग आए हुए हैं, तो ये लोग प्रचार प्रसार करने का हमारा माध्यम बनेंगे। और मेरा मानना यह है कि जो इसमें 6 मंदिरों के महंत लोग भी आए हैं, धर्माचार्य आए हैं, शिवाचार्य आए हैं, वो लोग भी वहाँ पर अपने इसकी शाखाओं से इसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो हमारे जनपद में इस क्षेत्र का जो है काफ़ी विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है।